नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चार्जेबल डीसी लैंप को हम रिपेयर करेंगे, जो कि इस लैंप में प्रॉब्लम है कि चार्जिंग शो कर रहा है, चार्जिंग में लाइट भी जल रहा है, लेकिन चार्जिंग का लीड निकालते वक्त आपका जो लैंप है ऑफ हो जा रहा है। यहाँ सोलर प्लेट से भी इंडिकेटर शो कर रहा है और यहाँ से जो स्विच है, स्विच ले ऑन करने के बाद में लाइट ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम एडाप्टर है जो मोबाइल का चार्जिंग होता है, तो थोड़ा इसको हम लगाकर टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, इसको लगाने पर जो इंडिकेटर चार्जिंग इंडिकेटर है, चार्जिंग इंडिकेटर भी जल रहा है और लाइट भी जल रहा है, और स्विच जो है स्विच बिल्कुल सही है, स्विच में कोई तरह का दिक्कत नहीं है, चार्जिंग जो किट है चार्जिंग किट में कोई तरह का दिक्कत नहीं, अंदर सप्लाई जा रहा है। तो दोस्तों इसको एक दो घंटा लगाने के बाद में भी जो बैटरी चार्ज होना चाहिए, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ ऊपर में स्क्रूप दिया है, नीचे में भी स्क्रूप दिया है, तो ऊपर का स्क्रूप ओपन नहीं करेंगे, नीचे वाला स्क्रूप केवल खोलना है, इसलिए कि नीचे में हमको काम है। जो सिस्टम इसमें चार्जिंग वाला दिया है नीचे में दिया है, तो हम नीचे वाला स्क्रूप को ओपन कर लेंगे, जो कि चार स्क्रूप नीचे में दिया है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है, वीडियो को लास्ट तक देखना चाहते हैं, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों नीचे वाला जो प्लेट है, खोलने के बाद में बैटरी का एक वायर टूटा हुआ है, ब्लैक कलर का, जो माइनस पॉइंट पर जुड़ता है, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेंगे। देख रहे हैं, टच करने के बाद में जो लाइट है, लाइट थोड़ा सा डाउन जल रहा है। तो दोस्तों अभी यहीं तक नहीं है, आप इस वीडियो को एंड तक देखें, थोड़ा सा अभी इसको टेस्ट करना है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा फंसा कर फिर भी चार्ज करके देख लेते हैं कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी क्लियर नहीं होंगे हम, इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है, बैटरी पर सप्लाई चेक करेंगे, मल्टीमीटर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ बाद में भी अभी लाइट जो है जल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चेक करेंगे। चलिए थोड़ा सा वेट करने के बाद में बैटरी चार्ज होना हो जाना चाहिए। देख रहे हैं अभी भी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, थोड़ा डाउन जल रहा है, इसमें क्या खराबी है हम इसको जाँचेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको फिर से ओपन कर लेते हैं, स्विच को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर लीड को लगाकर टेस्ट कर लेते हैं। देख रहे हैं इंडिकेटर भी जल रहा है, लाइट भी जल रहा है। तो क्या करेंगे हम, मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि बैटरी पर सप्लाई जो वोल्टेज मिलना चाहिए चार्जिंग के लिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट DC के रेंज में रखेंगे हम, और उसके बाद सबसे पहले बैटरी को टेस्ट कर लेंगे। बैटरी देख रहे हैं 2.5 वोल्ट का आसपास ये बैटरी बतला रहा है, 2.5 वोल्ट के आसपास ही बैटरी बता रहा है। तो चार्जिंग करने के बाद में पॉइंट को बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि जब लीड लगाएंगे तो थोड़ा सा चार्ज हो जाने के बाद में वोल्टेज सप्लाई जो है ज़्यादा बताना चाहिए। 4.5 वोल्ट का ये अडाप्टर है, तो यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे, यहाँ 4.5 वोल्ट मिलना चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ 4.5 वोल्ट नहीं मिलकर यहाँ 2.40 यानी कि 2.5 वोल्टेज इस पर सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पर एक डायोड होता है, देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर डायोड ओपन हुआ है, इस डायोड के माइनस वाला पॉइंट से इनपुट सप्लाई 4.5 वोल्ट मिलता है, और डायोड के प्लस पॉइंट से आपका बैटरी पर चल जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, अभी तो डायोड जो है एक पॉइंट इसका निगेटिव वाला ओपन है, तो आउटपुट सप्लाई जाएगा कहाँ से। तो देख रहे हैं इनपुट सप्लाई 5 वोल्ट के आसपास में मिल रहा है, इसको टच करने के बाद में क्या होगा कि आपका बैटरी पर सप्लाई जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं, सोल्डिंग करके हम इसको टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे एक दो मिनट, एक दो मिनट में पता चल जाएगा कि बैटरी सही है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम स्विच को ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम बैटरी पर चेक करेंगे कि सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट के आसपास में सप्लाई मिलना शुरू हो गया है।
अब क्या होगा कि आपका बैटरी जो है सही से चार्ज होगा। तो थोड़ा सा हम इसको वेट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से, इसको जिस तरह से खोले थे उसी तरह से इसको हम कस लेंगे, आपका जो लाइट है तेज जलेगा। तो दोस्तों इस तरह का जो चार्जेबल लाइट है, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, एक सोल्डिंग रख लेना है और एक रंगा एक पेस्ट रख लेना है। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम के लिए आप परेशान हो जाते हैं, कितने दिन से लाइट को बिग देते हैं। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आप ज़रूर देखें। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।